बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं, आज अस बनावे दही भले। आज चीज़ा लिया जी चीज़ा तुम दिखाते हैं, कटते हैं असं। खीरा पावे, टमाटर पावे, गाजर पावे, सेब पावे, उबले हुए आलू भलियाँ, तो उबले हुए चने, तो दही। तो हम यह सारिया चीज़ा तैयार कर लेंगे। तो चाट मसाला भी पावे, कुटी हुई हरी मिर्च, नमक, ये सारिया चीज़ा पावे। तो सब तो पहले तो आलू छिल लेंगे। आलू भी मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं, चने भी, और ये जो इस्तेमाल करते हैं दही भल्लों में भलिए। सबसे पहले तो खीरा ही काटती हूँ, बारीक कर लूँ। छोटे छोटे कट्स लगा के बारीक बारीक काटेंगे। चलिए प्याज काटते हैं। दो प्याज लिए मैंने, पहले मैं बताना भूल गई थी। प्याज मैंने काट लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, वो काटती हूँ बारीक बारीक। मेरे ख्याल थोड़े मोटे काट लें भाई, प्याज ना जल्दी चा तो भाई प्याज में लगी हुई है भुख। मैं सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, चल तकरीबन 2 बज गए है ना? नहीं 2 तो नहीं, हले 1 बज गया।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਓ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਮਾਨ ਆ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬਸ ਹੁਣੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਲੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੱਖਣੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੁਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸੇਬ ਕੱਟੇਂਗੇ ਭਾਈ ਫਿਆਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬ ਆਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਓ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ काटी हैं जो चीज़ें उसे मिक्स करती हूँ चलिए अब दूसरी चीज़ें डालते हैं बाकी चीज़ें सारी काट के मिक्स कर लिया हूँ भलियाँ ये तो ऐड कर लेने हैं बॉयल करके पहले रखी हुई हैं आप मतलब बड़ी बड़ी नहीं है नहीं तो अक्सर तो फूल जानी है ना नहीं ये मतलब तो सही नहीं है नहीं ये सही मैंने भी उन्होंने मैं उन्होंने क्या भी सजेस्ट हाँ ये ना बरीक वाली ਹੁਣ ਚਨੇ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਮੇ ਐਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰਤੇ ਹੈ डाल लिया तो हरी मिर्च डालेंगे कुटी हुई और नमक भी डालेंगे चलिए नमक भी हमने डाल दिया और मसाला इसमें ऐड करते हैं चाट मसाला चलिए तो अब इसे मिक्स करती हैं दही भले साढ़े तैयार हो गया ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼